जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मुझे नहीं पता था कि सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। आपको पसंद आए या ना आए, वी आर फैमिली, तो चिंता तो होती है। तुमने ठीक कहा पूर्वी, परिवार है हम, और मैं जितनी जल्दी इस बात को मान लूं उतना बेटर है। श्रेष्ठ, आपने उनको मैसेज किया? हाँ पूर्वी, मैं उसे कब से ट्राई कर रहा हूँ। इनफैक्ट ऑफिस के लोग भी उसका फोन कब से ट्राई कर रहे हैं। तुम मुझे ये बताओ कि वो एग्जैक्टली कितनी देर पहले निकली थी। आप ये क्वेश्चन मुझसे 10 बार पूछ चुके हो। मैंने कहा कुछ 4 घंटे हो गए उनको ऑफिस से निकल के। पता नहीं कहाँ गई होगी, आज तक ऐसा हुआ नहीं। 4 घंटे से उसका फोन बंद आ रहा है और कभी आज तक उसने इतनी देर फोन बंद रखा नहीं। एनीवेज, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बताना, ओके? हाँ, वो आ गए। मेरी बात करा उससे। ओहो, क्या तालमेल है। आपने कहा नहीं और पूर्वी जी ने कर दिया। बोलो, टेल मी भाई। टेल मी गीतिका, हाउ कैन यू बी सो इरेस्पॉन्सिबल यार। 4 घंटे से तुम्हारा फोन बंद आ रहा है, कहां हो किसी को कुछ पता नहीं है। हम न्यूज चैनल चलाते हैं, जानती हो ना तुम हमारे कितने दुश्मन है। आई मीन एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। तुम्हें फिक्र हो रही थी मेरी भाई। अरे शांत हो जाओ भाई, क्या हो गया। तुम जानते नहीं अपनी बहन को, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो तुम जल्दी जल्दी काम खत्म करो और घर आओ, फिर बात करते हैं, ओके? शर्शन कॉलियो। गीतिका, आप किसी को तो कॉल कर ही सकते थे। सबको चिंता हो रही थी, एटलीस्ट श्रेष्ठ को कॉल कर सकते थे। मैंने देखा 122 मिस्ड कॉल्स। मुझे नहीं पता था कि सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। तुम भी? आपको पसंद आए या ना आए, वी आर फैमिली, तो चिंता तो होती है। तुमने ठीक कहा पूर्वी, वी आर अ फैमिली, परिवार है हम, और मैं जितनी जल्दी इस बात को मान लूं उतना बेटर है, राइट? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब और नहीं, नॉट एनी मोर। अब से हम फ्रेंड्स, दोस्त। गुड, बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू। बहुत खेल खेल लिया तुमने पूर्वी, दोस्ती का, वी आर अ फैमिली का। अब तुम देख कैसे मैं तुम्हें अपनी भाई की जिंदगी से और शैगिल हाउस से बाहर निकालती हूँ। ये दोस्ती इनकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। पता नहीं अब ये क्या करने वाले हैं। अब तुम्हें और भी होशियार रहना पड़ेगा। गीतिका, श्रेष्ठ क्या हुआ?
क्यों चिल्ला रहे हो? Come on, पूर्वी, पहले तो किसी को बिना बताए गायब हो जाती है, अपना फोन तक बंद रखती है, और फिर घर आओ तो तुमसे ये सब काम। गीतिका! श्रेष्ठ, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुन लो प्लीज। पूर्वी प्लीज, अब तुम उसकी साइड मत लो, जो गलत है वो गलत है, ओके? गीतिका, गीतिका बाहर आओ। कांप रहा हूँ। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? गीतिका ये क्या है? तुम्हारे सामने डॉक्टर ने कहा था ना कि पहले 3 महीने हमें पूर्वी की केयर करनी है, लेकिन शायद तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय तुम्हारे ईगो के। शेष मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वी प्लीज, मैंने खुद तुम्हें काम करते हुए देखा है और जरूर गीतिका ही नहीं है। श्रेष्ठ, आज गीतिका ने खुद खाना बनाया, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की है, तो एवरीथिंग इज राइट, सो विल यू प्लीज जस्ट रिलैक्स। रहने दो पूर्वी, भाई को ना आदत हो गई है हर चीज में मेरी गलती निकालने की और मुझे उनकी बातें और ताने सुनने की। Are you serious? ये सारा खाना गीतिका ने बनाया और वो भी तुम्हारे लिए? Yes, और मैं कब से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं, आप सुनने को राजी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे कैसे पता कि एक दिन में वो बदल जाएगी? तो एक बार सुन तो लेते, बट नहीं, आपको लगता है एक बार जो आपने कह दिया वो सही है, सुन लिया करो कभी प्लीज। इट्स ओके पूर्वी, अब कह दिया ना, वापस तो नहीं ले सकते। हाँ, पर सॉरी तो बोल सकते हो ना। क्या सॉरी? यस। अब इतनी छोटी बात पे मैं उससे सॉरी कहूंगा? और एनीवेज, भाई बहन के बीच तो ये सब चलता रहता है, इट्स ओके। ओह माय गॉड, श्रेष्ठ अपनी तरफ एक बार देखो, ऐसे बच्चों की तरह खड़े हो मेरे सामने, ना ये स्कूल बॉय बिहेवियर मत करो प्लीज, सॉरी बोलो जाके। इसमें स्कूल बॉय वाली क्या बात होगी? मैं सॉरी नहीं कहूंगा। मेरे आसपास के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो सब कुछ भी ये जनता के सामने लाना चाहते हैं। और मेरे परिवार में अगर कोई मेरे साथ है तो वो तुम हो। हाँ निधि, अगर अंबिका जी की कोई भी क्वालिटी या कोई भी ऐसी बात जो हमारे कैंपेन को सपोर्ट कर सकती है, अगर तुम ऐसी कोई बात जानती हो देन प्लीज शेयर विद अस, ये हमें बहुत हेल्प करेगी। कोई इंसान अंदर से इतना सॉफ्ट और बाहर से इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये मुझे आपसे मिलने के बाद पता चला। मैं ही नहीं बल्कि हर कोई यही बात बोलता है, हमारा स्टाफ, पापा का स्टाफ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इनकी सब तारीफ करते हैं। गणपत राव भोसले का भी स्टाफ? क्या है कि अपनों के साथ तो हर कोई अच्छा रहता है, बट मम्मी जी का नेचर ऐसा है कि यहाँ पे काम करने वाले हर छोटे बड़े को एक अपनापन देती है, एक इज्जत देती है। आई एम श्योर वो सब लोग इस कैंपेन में इनकी मदद करेंगे और इन्हें सपोर्ट भी करेंगे। पता नहीं निधि, मुझ में इतनी सारी खूबियां हैं भी या नहीं, फिर भी शुक्रिया। आप में ये सारी खूबियां हैं, ट्रस्ट मी, आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं। जो मैंने इतने दिनों में महसूस किया है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे जितनी हिम्मत मिली है ना, मैं बता भी नहीं सकती। आप में जितनी हिम्मत है, अगर इसकी आधी हिम्मत भी मुझ में आ जाए ना, तो मुझे भी कोई हरा नहीं सकता। That's great. तो फिर हमें और देर नहीं करनी चाहिए। निधि, अगर तुम कल सब लोगों को यहाँ एक साथ बुला लो, तो सारी बात हमारी एक साथ हो जाएगी। एंड
हमारा काफी टाइम भी बचेगा। श्योर, मैं बुला लूंगी। ओके देन, मैं निकलता हूँ फिर, और कल 12 बजे। ठीक है। ये लोग इतनी इज्जत देते हैं मुझे, पता नहीं क्या सोचेंगे अगर इन्हें पता चल गया कि मैं बीमार पति की सेवा तो दूर, उन्हें देखने तक नहीं जाती। दीपिका, एक मिनट आओ प्लीज। आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो इसे? तुमने क्या किया? एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, पर इन्होंने जो आज किया है उसके लिए सॉरी तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो ईगो है, इतनी बड़ी ईगो, वो आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, इसलिए आई एम सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं है पूर्वी। तो कैसी बात है? क्या है ना पूर्वी, भाई बड़े हैं, इसीलिए बचपन से उनको लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, है ना भाई? हाँ, पर है तो वो इंसान ही, और कोई भी इंसान गलती कर सकता है। इंसान? इंसान तो भाई अपने आप को तब समझेंगे ना जब और लोगों ने इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। इतना इंप्रेस हो जाते हैं वो शैगिल से कि सुपर हीरो की तरह ट्रीट करने लगते हैं। पर उनको याद है ना कि वो सुपर हीरो नहीं है, राइट? सो सुपर हीरो की तरह बिहेव क्यों करते हैं? पूर्वी तुम भी? पूर्वी हमेशा मैंने तुम्हारी साइड ली, और आज तुम गीतिका के साथ मिलके मेरी खिंचाई कर रही हो। नहीं, वन सेकंड, मैं हमेशा सही की साइड लेती हूँ, और आज गीतिका सही है, सो योर बैड लक। रियली? यू नो, आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होना चाहिए, क्योंकि आज पहली बार मेरी बीवी और मेरी बहन दोनों एक किसी एक मुद्दे पर सहमत है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। बट द सैड थिंग इज कि मेरे ही खिलाफ सब। नहीं, तुम्हारे नहीं, जो तुमने किया उसके खिलाफ। ओके, आई गेट द पॉइंट। सॉरी एंड थैंक्स। थैंक यू पूर्वी, आज तुम्हारी वजह से पहली बार मेरे भाई ने मुझे जिंदगी में क्या कहा, सॉरी एंड थैंक यू। हेलो, तुमने भी तो आज खुद खाना बनाया। अब बना ही लिया है, तो चलो चल के टेस्ट करें कि कैसा बना है। सीरियसली यार, मैंने सॉरी तो कह दिया ना, अब खाना भी खाना पड़ेगा। कितने खराब हो तुम भाई, इतना भी खराब नहीं बना होगा। चलो मैं खाना गर्म कर देती हूँ, आप लोग आओ। तुम आओ। हाँ पूर्वी। चांद छूटी, ये दोस्ती का ड्रामा मुझसे ज्यादा दिन नहीं होगा। सॉरी, देखो तो मेरे भाई की तरफ से मुझे ही सॉरी बोल रही है। बेवकूफ, इसकी मोटी अकल में ये बात कब खुसेगी कि पहले वो मेरा भाई है और बाद में इसका पति। जब से पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से मैं और भाई एक दूसरे के लिए हैं और रहेंगे। रुको पूर्वी, तुम्हारी ये प्यारी सी लड़की, घर को जोड़ने वाली बहू की जो इमेज है ना, ये छवि कैसे बर्बाद करूंगी ना मैं। तुम गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाओगी, तुम बहुत तेज चलाती हो।
I can't take this chance, you know. तो शेष आप 9 महीने यही करोगे? इससे कहीं ज्यादा. केयर माय डियर, केयर कहते इसे. जब भी कहे ये दिल पहल कर ले. तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस. लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं घर से. हाँ, पर मैं 9 महीने तो घर से नहीं काम कर सकती ना. इट्स सफोकेटिंग. हाँ पूर्वी, लेकिन ऑफिस में तो. हाँ पर शेष, अच्छा नहीं लगता ना कि मैं रोज ऑफिस के लोगों को यहाँ बुलाऊं. प्लीज, पूरे 9 महीने तो मैं घर पे नहीं बैठ सकती ना. और वैसे भी मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, अंबिका जी के घर जा रही हूँ. अंशुल भी वहीं आएगा. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया भाई. कम ऑन पूर्वी, तुम्हारा घर से निकलना हो जाएगा, राइट? और भाई, ऐसी हालत में ताजी हवा बहुत जरूरी होती है. नहीं, ये ठीक रहेगा. लेकिन तुम जा कैसे रही? गाड़ी से. नो 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 नो, तुम गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाओगी. तुम बहुत तेज चलाती हो. आई कांट टेक दिस चांस, यू नो. तो शेष आप 9 महीने यही करोगे? इनफैक्ट इससे कहीं ज्यादा. केयर माय डियर, केयर कहते इसे, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत. तो ठीक है, आप ही मुझे ड्रॉप कर दो. माय प्लेजर. सो स्वीट भाई. मैं तो कहती हूँ कि पिकअप भी तुम ही कर लेना पूर्वी. आफ्टर ऑल तुम्हारा पूर्वी के बगैर मन कहाँ लगेगा. नहीं, नाइस आइडिया गीतिका, पर तुम्हें नहीं लगता थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? एनीवे, आई एम हैप्पी कि तुम दोनों की दोस्ती हो गई है. एटलीस्ट मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा. चले पूर्वी. ख्याल रखना पूर्वी. बाय. अब मैं और मेरा घर, मेरा घर और मैं, और कोई बाहर वाला नहीं. मेरी प्यारी पूर्वी, पेशे खिदमत है प्लान ए. इंजॉय. यस, मैं घर पे वेट कर रही हूं, तुम जल्दी आओ. नाउ कल जब निधि और अंशुल मेरे बखान कर रहे थे, एक आदर्श पत्नी और मां की छवि जनता तक पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे, तब मैं सोच रही थी क्या सचमुच इस लायक हूं मैं. जब भी कहे ये दिल पहल कर ले. क्या हुआ? आप ठीक हो? बहुत परेशान लग रहे हो. आज बहुत दिन के बाद उनके कमरे में गई थी. किसके? गणपत राव भोसले के. आजकल निधि ही उनकी देखभाल करती है, चाहे अब वो मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते, कोई बात नहीं सुना सकते, लेकिन एक पल के लिए भी उनको देखना बर्दाश्त नहीं होता. इट्स ओके, अगर आप उनकी देखभाल नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती. इतने सालों तक उन्होंने जो आपके साथ किया है ना, वो भी तो सही नहीं था, पर आपने सब कुछ झेला और सहा और बहुत ब्रेवली ये किया. अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो वो कब का भाग चुका होता. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ देखने के बाद आप परेशान क्यों हो रहे हो. परेशान हूं मैं, जब तक मैं उनकी पत्नी हूं. ये रिश्ता है, कुछ फर्ज है मेरे जो मुझे निभाने, और यही
पत्नी का गिल्ट अपराध बहुत परेशान कर रहा है मुझे। कल जब निधि और अंशुल मेरी बखान कर रहे थे, एक आदर्श पत्नी और मां की छवि जनता तक पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे, तब मैं सोच रही थी क्या सचमुच इस लायक हूं मैं। आप इस वक्त इसके बारे में क्यों सोच रही हो? आपके दिल में जो उनके लिए नफरत है उसका कारण वो खुद ही है। आप सिर्फ अभी अपनी सच्चाई पे फोकस कीजिए। आपने इतने अच्छे काम किए उनके लिए, अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, तो बाकी सब भूल जाइए। आप अब बस अंशुल आ जाए तो हमारा जो पूरा कैंपेन है हम इसको लॉक कर देंगे। अंशुल को अब तक आ जाना चाहिए था, 12 बजे का टाइम दिया था ना उसने। मैं ऑफिस फोन करके पता लगाती हूँ। वो अंशुल का फोन ट्राई किया था मैंने, फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो फिर ऑफिस में? नहीं, ऑफिस में भी फोन किया मैंने, उसका कोई पता नहीं है। ये हो क्या रहा है? कल गीतिका, आज अंशुल। हाय अंशुल, बैठो बैठो बैठो। तुम हमेशा टाइम पे होते हो अंशुल, यू नेवर लेट, और ये बात तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अंशुल, हमें बहुत सारा काम है ना, और वक्त बहुत कम है हमारे पास, राइट? तुम्हारा फोन? मैम, फोन ऑफ है, ऑन करूं? जी नहीं। मैम, ऑफिस से फोन आ रहे होंगे। अंशुल, मैं चाहती हूं कि हम पूरी तरह हमारे काम पर ध्यान दें, या? श्योर। कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, ओके? श्योर। अंशुल का फोन स्विच ऑफ है, हो सकता है फोन में बैटरी खत्म हो गई हो, या फोन ऑफ कर दिया हो, या हो सकता है कि उसे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ही ना हो। आई मीन क्वाइट पॉसिबल। नहीं निधि, तुम अंशुल को नहीं जानती हो, वो बहुत ही फोकस्ड और बहुत पैशनेट इंसान है। अगर उसको प्रोजेक्ट नहीं करना होता तो वो तो मुझे बताता, और अगर उसका फोन स्विच ऑफ होता तो वो किसी पीसीओ से मुझे कॉल कर देता। उतने जितना आर्य प्रोफेशनल था। चलो तुम्हारे घर चलते, पर ये मीटिंग कल भी हो सकती है। घर चलो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। रास्ते से अंशुल को फोन ट्राई करती रहना। उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है ना सही, लेकिन अपने भाई की औलाद से भी जरा सा भी प्यार नहीं है क्या?